इस लेक्चर के अंदर सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जो आगे आपको काम आएगी। आगे जो लेक्चर आएंगे, कोई भी चीज़ आपने गूगल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, मैं ये आइकन जो मैंने यूज़ करना है अपने जो ब्रोशर हम बनाएंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर आप डिफरेंट आइकन्स को गूगल के अंदर से सर्च करके डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके अपनी इमेज के अंदर, ब्रोशर के अंदर उसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यही एक कोई इमेज है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको डाउनलोड कैसे कर सकता हूँ? डाउनलोड, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और सेव इमेज एज पे क्लिक करूँगा। जब आप करेंगे तो आपके पास फोल्डर हो, डिस्टिनेशन ओपन हो जाएगी, कहीं भी जहाँ पे आप उसको सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आपके विंडोज़ पे फोल्डर होंगे और सेव का बटन प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा आपके पास। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको गूगल से कोई बड़ी इमेज चाहिए तो इसके अंदर जैसे ही आप सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आपने क्या करना होता है, एक जब आप सर्च करेंगे तो इस तरह का आपके पास ओपन होगा। फिर आप इमेजेस में जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे तो सिर्फ इमेजेस ओपन हो जाएंगे। और आपको अगर बड़ी इमेज साइज़ चाहिए, टूल्स पे क्लिक करेंगे, साइज़ पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे साइजेस आ जाएंगे बहुत से। एक कुछ इमेजेस की वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम लेंगे, वो है पिक्सल्स, है pixels.com है। इसके ऊपर ये स्टॉक इमेजेस होती हैं जहाँ जो हम यूज़ करेंगे अपने ब्रोशर्स के अंदर। उसमें भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, मगर अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इमेजेस ले सकते हैं। अनसप्लैश है, unsplash.com, अनसप्लैश, इस पर ये ओपन करें तो ये भी इसी तरह की स्टॉक इमेजेस की है। पिक्सा बे के नाम से भी है, इसके ऊपर भी स्टॉक इमेजेस पड़ी होती हैं। इन इनको यूज़ करते हैं, इन वेबसाइट को यूज़ करते हैं हम अपनी ब्रोशर के अंदर जो इमेजेस हमने यूज़ करनी है, हम उनको यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ करेंगे। जब वो यूज़ करेंगे तो मैं उसमें भी एक बार बता दूंगा कैसे डाउनलोड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्टॉक फुटेज में जाता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यही इमेज मुझे ओपन करनी है, ये वाली इमेज ओपन की, डाउनलोड करने हैं मैंने, तो ये आपको फ्री डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। मज़ीद अगर आपको कुछ स्पेसिफिक साइज़ चाहिए तो आपके पास यहाँ पे साइज़ भी हैं, आप इनमें से भी साइज़ पे सिंपली क्लिक करें और यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको यही साइज़ चाहिए तो ये फ्री डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इमेज डाउनलोड हो जाएगी। बहुत सी इमेजेस हैं, देखें जो भी आपको अच्छी इमेज लगे अपने ब्रोशर के लिए, उसके मुताबिक हो, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अनसप्लैश पे भी इसी तरह तरीके है वहाँ पे डाउनलोड करने का इमेज। आज के लेक्चर में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।